हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके ही चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल में। बात करते हैं आज हम एम्पियर सर्किट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। पहले हम बात करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, उसका प्रूफ करेंगे, बाद में इसका दिखाएंगे क्या होता है इसका एप्लीकेशन। भाई दो एप्लीकेशन है इसके, उसके एप्लीकेशन के बारे में भी जानेंगे तो एप्लीकेशन भी देखेंगे। और पहले हम देखते हैं एम्पियर सर्किट लॉ, दो के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में। लगभग लगभग ज्यादा से ज्यादा उम्मीद यही होती है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है बायो सेवर्ट लॉ हो गया, एम्पियर लॉ हो गया, इसके एप्लीकेशन हो गए। अभी प्रूफ करने के लिए आता है कि सो दैट इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा, इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ये अगले वाले वीडियो में बताएंगे। ये भी पूछा जाता है कि ये सर्किट लॉ ना दे करके एम्पियर सर्किट लॉ ना प्रूफ दैट, कि ये पूछता है कि इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये भी हमारा पूछ लेता है प्रूफ दैट। तो यही है हमारा एम्पियर सर्किट लॉ। पहले समझेंगे एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, यही सेंस इसमें लिखा गया है। कह रहा है इट इज एनालॉगस टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम गॉस लॉ पढ़े थे उसका ये एनालॉगस है, मतलब उसका ही अनुरूप है। इट स्टेट दैट, यह दिखाता है, इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल है, ये लाइन इंटीग्रल ध्यान दीजिएगा, लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डीएल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ये होता है। आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्या होता है, बी डी एल होता है इंटीग्रेशन में। तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट, मतलब द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज थोड़ा एक क्लोज्ड पथ, यहां पर लिख देंगे अलोंग ए क्लोज्ड पथ, किसी क्लोज्ड पथ के लिए, ओपन पथ के लिए लागू नहीं होता, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी along a closed path is equal to the mu naught times of the current I, current total current जो I होता है उसका mu naught गुना होता है। यही हमें proof करना है इसमें, यही हमारा काबिरा है, where mu naught बताएंगे permeability होती है, जैसे epsilon naught की बोलते हैं क्या था होता था हमारा permittivity होती थी, ये permeability है। तो where mu naught equal to permeability of free space मतलब निर्वात, जिसे आप वैक्यूम बोलते हो, free space की permeability होती है, चुंबकशीलता जिसे बोलते हैं हिंदी में, और उसे बोलते थे epsilon naught को क्या बोलते थे, permittivity, जिसे हम बोलते थे क्या, permittivity होती थी वो, क्या है permeability है, वो विद्युतशीलता होती थी, चुंबकशीलता है। अब बात करेंगे इसके प्रूफ के बारे में, इसका हम प्रूफ देखेंगे। एक हमने बनाया क्लोज्ड पथ, सर्कुलर क्लोज्ड पथ, क्लोज्ड पथ में क्या लिया, इसका रेडियस हमने ले लिया सपोज दैट स्मॉल आर, एक पॉइंट हमने लिया इसका डीएल, अगर हम इस डीएल को आगे तक मिला देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये हमारा क्या है डीएल जो है मैग्नेटिक फील्ड बी के क्या है अलोंग है, बी के ही क्या है अलोंग है, इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है आई करंट इसमें फ्लो करा जा रहा है, सेंटर हम लिए हैं पॉइंट ओ। तो हम बताएंगे बायो सेवर्ट लॉ अब होता क्या है, आधे लोग भूल गए होंगे ना, देखिए भूल जाते हैं अच्छी बात है, बट याद करिए ये और अच्छी बात है, भूल जाते हैं वो भूलते तो हैं ही, सब भूलते हैं, हम भी तो भूल जाते हैं, सब भूलते हैं, कौन ऐसा है जो एक बार याद कर ले हमेशा याद रहे, सब भूलते हैं, बट आप बार बार रिविजन करेंगे, बार बार रिविजन करेंगे, दो तीन बार देख लेंगे याद हो जाएगा। अब जैसे बायो सेवर्ट लॉ हम इतनी बार यहीं पर पढ़ा चुके हैं आपको याद हो गया होगा क्या होता है, तो फटाफट से लिख लीजिए बायो सेवर्ट लॉ होता है, क्योंकि हम बहुत बार इसको यहीं पर बता चुके हैं, बायो सेवर्ट लॉ जब प्रूफ करा रहे थे तभी तीन चार बार बताए थे, म्यू नॉट अपॉन टू पाई इंटू आई अपॉन क्या होता है आर, यही तो होता है बायो सेवर्ट लॉ, या फिर हम यहां पर देखते थे म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू टू आई अपॉन आर होता था ना, वो एक ही चीज है।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, सिंस चूंकि जो डीएल है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, डीएल इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और यही नहीं कि जहां पर लेंगे, जैसे यहां पर अगर डीएल लेंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही होगा डीएल, तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तब हम क्या बताएंगे कि बीडीएल निकालेंगे। जब उसके अलोंग होता है तो अलोंग होने के लिए कॉस थीटा लगता है, अगर अलोंग नहीं होता ध्यान समझिएगा, परपेंडिकुलर होता तो साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी यहां पर अगर ले रहे हैं, यहां पर अगर थीटा है इसके अलोंग है तो क्या लेते हैं कॉस थीटा, परपेंडिकुलर होता है तो क्या लेते हैं साइन थीटा। ठीक, ये क्या है इसके ही अलोंग है और थीटा वैल्यू यहां पर जीरो दिख रही है ना, थीटा दोनों जीरो है मतलब ये पैरेलल है दोनों, तो अलोंग है तो कॉस थीटा और कुछ वैल्यू नहीं है मतलब थीटा इक्वल टू जीरो, तो निकालेंगे यहां पर वेक्टर वी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू क्या निकलेगा, वेक्टर वी डॉट, और ये डॉट प्रोडक्ट में होता है वैसे भी ये अलोंग है इसलिए क्या निकलेगा कॉस थीटा बी, सॉरी मैग्नीट्यूड निकलता है ना, बी डीएल कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा वैल्यू क्या है यहां पर जीरो है, तो बी डीएल कॉस जीरो सिंस थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री बिटवीन द डीएल एंड वेक्टर बी। अब क्या बताएंगे यहां से, कॉस जीरो वैल्यू वन, तो बी डीएल आ गया, बी डीएल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, समझ पाए यहां तक सबको कंफर्म हुआ ना। अब बताएंगे एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी इज सेम ऑल अराउंड द सर्किल, इसी तरह सभी सर्किल के हर एक पॉइंट पर क्या होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर बी डीएल ही आएगा, ये आप याद कर लीजिए बी डीएल ही आएगा, समझ पा रहे हैं। अब क्या करेंगे आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहां पर बताएंगे जो बी डीएल होगा इसका होल इंटीग्रेशन अगर निकालें, क्योंकि हमें लाइन इंटीग्रल बी डीएल निकालना है बराबर इतना प्रूव करना है, एलएचएस ले रहे हैं बी डीएल और इतना हम प्रूव करेंगे बी डीएल इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, बी डीएल को बी डीएल लिख सकते हैं, बी डीएल इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से आ चुका। अब क्या करेंगे, बी हमारा बाहर हो जाएगा ये डीएल, बी की वैल्यू हम फर्स्ट से रखेंगे म्यू नॉट अपॉन, ये देखिए ये ऐसा नहीं है वेक्टर में है, ये वेक्टर नहीं है ऐसा नहीं रखेंगे, ये क्या है मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड ही निकलता है म्यू नॉट अपॉन टू पाई, म्यू नॉट अपॉन टू पाई इंटू आई अपॉन आर, या फिर इसे बोलते हैं म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन मतलब ये एक सर्कल है, सर्कल का कोई पॉइंट ले लीजिए, इसका ये एक लेंथ है डीएल ना, टोटल लेंथ क्या निकलता है सर्कल का, सर्कल का टोटल लेंथ होता है उसका सर्कमफेरेंस मतलब उसका परिधि जिसे बोलते हो आप लोग, तो ये हो जाएगा टू पाई आर, लिखेंगे सिंस डीएल इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जानते हैं 2 पाई आर होता है, आर रेडियस है, रेडियस हमने आर ही लिया, 2 पाई से 2 पाई मर गया, आर से आर बचा क्या वेक्टर बी, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई, प्रूफ हो गया, इट इज क्या एम्पियर सर्किटन ला, एम्पियर सर्किटल ला, इसी को पढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल ला, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर थ्योरम, इसे बोलते हैं एम्पियर सर्किटल ला कहिए या फिर एम्पियर सर्किटल थ्योरम कहिए, एक ही चीज है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल ला या एम्पियर सर्किटल थ्योरम दोनों बात एक ही है
अगर चैनल पे नए आए हूँ तो बता देना चाहेंगे, सब्सक्रिप्शन के बॉक्स पे चले जाइए, आपको वहां पर टोटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर टोटल आपको वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, जहां पर आप टोटल वीडियो देख सकते हैं। हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स थ्योरम। तो इसमें फर्स्ट दो एप्लीकेशन है इसका, एक तो बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ ए सोलेनाइड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हेड डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट, ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर मतलब समझते हो जिसमें करंट प्रवाहित हो, मतलब करंट को ले जाने वाला वायर हो, ये नहीं बिना करंट वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए, तो बताएंगे इसमें फ्रॉम एम्पियर सर्किटल्ला, एम्पियर के सर्किटल नियम के अनुसार हम बताएंगे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। समझ पाए यहां तक, यहां पे क्या बताएंगे, ये क्या हो जाएगा B इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होगा, क्योंकि इसके पहले हमने दिखाया जो वेक्टर B डॉट वेक्टर DL होता है वो B DL के इक्वल होता है। B हमारा बाहर हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन ऑफ DL इक्वल टू म्यू नॉट आई ना। अब लेंथ क्या होगी हमारी यहां पर, B इंटू लेंथ मतलब ये क्या है, सरकमफ्रेंस होता है 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखिए ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर तो है बट इसे मोड़ करके हमें क्या बना दिए हैं, एक स्ट्रेट वायर है उसको मोड़ करके क्या बना दिए हैं हम, एक सर्कल का आकार दे देते हैं तब हम निकालते हैं, क्योंकि ये क्लोज पथ होना चाहिए बी इक्वल टू, तभी तो हमारा ये निकलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ ए सोलेनाइड, हैंड डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू सोलेनाइड, पहला वाला एप्लीकेशन समझ में आ गया एकदम सिंपल था, दूसरा वाला इससे भी ज्यादा सिंपल है और पूछा भी जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लिखिए या ना लिखिए ड्यू टू किसके कारण, सोलेनाइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सपोज दैट मैग्नेट के दो पोल रख लेते हैं हम, अब ये इंडिकेट कर रहा है चाहे आप एक ही टर्म में रखिए चाहे ये अलग अलग पोल दिखाने के लिए इस प्रकार कर दिया जा रहा है, एक ही तरफ कर सकते हैं बट अलग अलग जब पोल दिखाते हैं तो आप अलग अलग दिखाइए क्योंकि मैग्नेट के दो डिफरेंट पोल हैं। हम जानते हैं क्या होता है, अंदर ये क्या होते हैं पैरेलल हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार फिगर बनाएंगे ये ना, दूसरा फिगर कुछ ऐसा बनेगा और इधर भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक। तीसरा वाला ऐसे होते होते हम जानते हैं क्या होता है, ये पैरेलल जाती हैं और ये भी निकल जाता है और ये पैरेलल जाके ये भी ऐसा निकल जाता है और इसी यही कंडीशन इसमें भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा निकल रहा है कुछ यही कंडीशन इसमें भी होती है, ठीक। अब हम बताएंगे एक हम ले रहे हैं क्या, इसमें जानते क्या ले रहे हैं, एक रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से, एक रेक्टेंगल ले ले रहे हैं
फिगर थोड़ा कम अच्छा बना। एक रेक्टेंगल लिए हैं जिसको हम मान लेते हैं ए, चाहे ए बी सी डी चाहे जहां से मान सकते हैं, ए बी सी डी। और ये जो रेक्टेंगल लिए हैं कुछ इस प्रकार से है, मान लीजिए आपको जानने के लिए डॉटेड लाइन कर दे रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। ठीक, ए बी हमने ले लिया है। अब देख सकते हैं यहां पर बताएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनक्लोज्ड बाय ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो क्या होगा हमारा, बाय एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर के सर्किट लॉ के अनुसार हम बताते हैं क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही तो होता है ना? आई क्या है, नेटवर्क, ओ सॉरी नेट करंट, आई नेट करंट फ्लो इन द एबीसीडी। ठीक, रेक्टेंगल इनक्लोज्ड है रेक्टेंगल। अब हम बताएंगे क्या कि बीडीएल, अब होल इंटीग्रल हो रहा है तो मतलब ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी डी के लिए, डी ए के लिए, ऐसा ही होगा ना? तो बताएं क्या कि होल इंटीग्रल ऑफ, होल इंटीग्रल ऑफ, इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, होल इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बी डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू सी बी डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी बी डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी टू ए, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए बी डी एल, ऐसा ही तो होगा। ये कोई सर्कुलर पथ तो है नहीं, एक ही बार में निकाल लेंगे, इसमें देख रहे हैं एंगल बन रहा है। अगर इसकी इसकी बात करें तो इसके क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, और वो तो आउटसाइड है, उस पर हमारा बी ही जीरो होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो ये क्या है, इनसाइड है और पैरेलल है इसके, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो हम बताएंगे यहां से क्या निकलेगा, ए टू बी, ए से बी तक हम मान लेते हैं इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस एक्स होगा ए से बी। बी डी एल जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसके एक्सिस के अनुसार बी डी एल जब टूटता है किसके रूप में टूटता है, बी डी एल कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा, बी डी एल कॉस, ये परपेंडिकुलर है मतलब कॉस जीरो डिग्री प्लस बी टू सी, यहां पर उसी प्रकार दिखाएंगे। अब यहां पर देखने वाली बात है जब बी टू सी होगा, देख रहे हैं ये इसके परपेंडिकुलर है, ध्यान समझिएगा, ये बी डी एल बी टू सी, बी टू सी परपेंडिकुलर है मतलब थीटा इक्वल टू यहां पर क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 90 डिग्री। और सी टू डी, सी टू डी क्या है, ये आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये टोटल जीरो होगा, बी की वैल्यू जीरो, टोटल जीरो, यहां पर अगर लिखना भी चाहें तो सी टू डी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो इंटू डी एल ना, प्लस डी टू ए, इसको तोड़ेंगे बी डी एल कॉस डी टू ए, देख रहे हैं ये भी परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री। अब समझने वाली बात है ये क्यों जीरो हुआ, क्योंकि आउटसाइड, लिख लीजिए आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड के जब ये आउटसाइड है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, तो मैं ये क्या हो जाएगा जीरो। अब कॉस 90 वैल्यू जीरो होती है, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचा ये ही कॉस जीरो वैल्यू वन, तो बचा क्या, ए टू बी, बी इंटू डी एल, ये बचा, समझे। अब बी क्या है, बाहर हो जाएगा ए टू बी डी एल। अब डिस्टेंस क्या लिए हैं,
ए टू बी डीएल जो टोटल, अगर मान ले स्मॉल डिस्टेंस डीएल लिए थे, ए से बी तक टोटल डिस्टेंस डीएल क्या लिए थे हम, यक्स लिए थे, तो बी यक्स निकल गया। वेक्टर बी डॉट डीएल बी यक्स आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया। अगर हम यहां पर बताएं कि इफ सोलेनॉइड में एन टर्न हो, इफ एन टर्न इन सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में एन टर्न हो एंड सोलेनॉइड में एन टर्न हो, फिर लिखेंगे टोटल टर्न, टोटल टर्न इन यक्स डिस्टेंस, प्रत्येक का डिस्टेंस क्या है, यक्स है, ये समझिएगा। टोटल टर्न इन ए लेंथ या डिस्टेंस लिखें या फिर लिख दें लेंथ, इन ए लेंथ यक्स, यक्स लेंथ में यन टर्न हो तो देन, या फिर कामा करके लिख दीजिए, टोटल टर्न लिखे हैं तो इज यन यक्स, यन यक्स हो जाएगा एंड द करेंट आई नॉट, अभी देख रहे थे आई टोटल करंट है, आई नॉट हर एक टर्न में यदि आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट क्या आ जाएगा, आई नॉट, द करंट आई नॉट फ्लो इन ईच टर्न, ईच टर्न मतलब प्रत्येक फेरे में आई नॉट करंट फ्लो रहा है, तो देन तब क्या हो जाएगा, टोटल करंट, टोटल करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एक्स आई नॉट, यहां तक कंफर्म हुआ I इक्वल टू एन एक्स आई नॉट। अब इक्वेशन किससे देखें हम, हमने बनाया क्या, B डॉट डीएल इक्वल टू बी एक्स यहां पर बना दिया था, तो B डॉट डीएल जब बी एक्स के इक्वल हो गया तो B डॉट डीएल म्यू नॉट I के भी इक्वल है, म्यू नॉट I तब बी एक्स के इक्वल होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से हम बता सकते थे कि ये म्यू नॉट आई बी एक्स के इक्वल होगा, यहां तक सबको क्लियर ना, तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड बराबर है, राइट हैंड इक्वल होगा, म्यू नॉट आई इक्वल टू बी एक्स, समझे यहां तक, म्यू नॉट आई इक्वल टू बी एक्स। अब हम बताएंगे I की वैल्यू रखेंगे एन एक्स आई नॉट, म्यू नॉट एन एक्स आई नॉट इक्वल टू बी एक्स, एक्स एक्स कट गया, बच गया गया हमारा B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट, म्यू नॉट एन आई नॉट B की वैल्यू आ गई हमारी वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट कर लिए, तो उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आओगा, एप्लीकेशन ऑफ एम्पीयर्स ला और एम्पीयर्स सर्किट ला दोनों बढ़िया से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो फैमिली में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड की दी जाएगी और हमारे फैमिली में आप जुड़ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।